नमस्कार किसान साथियों मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्रीएन चैनल में स्वागत करता हूं। खेती के संबंध में सभी जानकारी इस चैनल में दी जाएगी और आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहा करें हमारी वीडियो को किसान साथियों। तो किसान साथियों आज हम दिखा रहे हैं टाटा है कंपनी के किंची धान की वरायटी यह किंची धान की वरायटी एक रिसर्च धान की वराइटी है किसान साथियों इसके प्लाट हमने विजिट करने गए थे तो किसान साथी उसके प्लाट विज़िट करने के बाद में आपको हम इसका पौधा दिखा रहे हैं तो किसान साथी उसके पौधे देखने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और यह किसान साथी 120 से 125 दिनों की धान की वरायटी है यह बहुत ही कम दिनों की धान की वरायटी है कहा जाए तो और यह पतला दहाना है पतला दाना बोला जाए तो कहा जाए तो यह एक काली मूछ की धान की ब्राइटी टाइप का है किसान साथियों इसकी धान की ब्राइटी की हम कल्ले भी गिना के दिखाएंगे हमने जिस प्ले प्लाट में विजिट किया है उस भैया के भी दिखाएंगे और भैया ने क्या बोला ये हम बताएंगे क्योंकि भैया के ये जो आवाज़ है वो पूरे तरीके से कैप्चर नहीं हो पाए थे तो पहले किसान साथियों आप इनके कल्ले देख लें तो इनके कल्ले बहुत ही शानदार देखने को मिला है और कल्लों की गिनती भी कर ले तो किसान साथी यह तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह पंद्रह और कुछ ऐसे ही करते करते पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह उन्नीस बीस टोटल करते करते हमारे किसान साथियों टोटल कर रहे हैं हम अभी गिनती चालू है हमारी और गिनती करने के बाद में हम बता दे रहे हैं कि कितनी धान की इसमें कल्लों की संख्या है किसान साथियों तो इसमें टोटल धान की कल्लों की संख्या हम बताने वाले हैं तो इसमें लगभग लगभग किसान साथियों धा धान में हमने देखा है छब्बीस कल्लों की संख्या है और यह एक रिसर्च धान की वरायटी में बहुत ही ज़्यादा कल्लों की मात्रा है और यह किसान साथी एक बारीक धान है कहा जाए तो यह पतले धान की वरायटी है यह कहा जाए तो एक सोनम की कैटेगरी के धान की वरायटी है और यह भैया बता रहे हैं कि हमारे पौधे बहुत अच्छे लगे ये बहुत ही शानदार पौधा दिखा और इसका उत्पादन भी देखने को अच्छा मिले तो हमें और अच्छा लगेगा किसान भाई कह रहे थे और यह हमारे यहाँ के हमारे टाटा कंपनी के प्रद अधिकारी हैं जिसे यह फील्ड अधिकारी हैं जो कि टाटा कंपनी द्वारा है यह इनका एरिया है एरिया के अंदर ये काम करते हैं और हमने इस धान को सेल किया है तो यह भैया ने बताया कि इसके धान के कल्ले बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है इसके पौधे की बढ़वार भी शानदार देखने को मिल रही है और इसमें अन्य वराइटियों के मुकाबले में रोग देखने को नहीं मिला है तो इनके कल्ले गिन के भैया भी खुश हो गए हैं कल्ले गिनने के बाद भैया भी बहुत खुश हो गए थे और देखने के बाद में हम जैसे पहुंचे तो भैया बोले कि बहुत ही अच्छा धान की वैरायटी है और भैया की इस धान को दिखाते समय बहुत ही खुश थे तो किसान साथियों इस धान की वैरायटी में आपको कैसा लगा कल्ले की संख्या भी बहुत अच्छी थी और इस धान की वैरायटी के उत्पादन भी हम आपको दिखाएंगे तो चलिए किसान साथियों हम अगली वीडियो में मिलते हैं